फिजिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट, क्योंकि लर्न करने के लिए इसमें कुछ नहीं है। अब जो लर्न करने वाला, लर्न लर्न जिसे मैं कह रहा हूं ना, लर्न करने के लिए कुछ नहीं है एक्चुअली, वो रट्टा, रटने के लिए इसमें कुछ नहीं है, रटने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब रटना और जिसे आप लर्न करना कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक्चुअली होता क्या है, वो जिसे आप लर्न करना कहते हैं, जिसे आप लर्न करना कहते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो एक्चुअली ये होता है क्या, इंट्रोडक्शन 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 द नहीं एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, एवरी बॉडी हाँ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू हाँ इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ, दिस इज वॉट यू कॉल लर्निंग, दिस इज नॉट द लर्निंग, दिस इज रटिंग, दिस इज वॉट यू कॉल लर्निंग। और जब आप इस तरह की कोई चीज रटते हैं, इस तरह से, इस मेथड से कोई चीज रटते हैं, तो एक्चुअल पे उसका मीनिंग क्या है वो नहीं पता होता आपको। ओम भूर्भुवः स्वः, किसको पता है इसका मीनिंग, ये रटा हुआ है आपने, ये आपने रटा हुआ है। अगर इसका मीनिंग नहीं पता, तो गायत्री मंत्र का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है, तो वो आपने याद नहीं किया हुआ, वो रटा हुआ है। इस तरह का रटने का बहुत नेग्लिजिबली स्मॉल पोर्शन है फिजिक्स में। यहां सब कुछ है सीखने के लिए। सीखने का मीनिंग आपको उन वर्ड्स के मीनिंग, उस स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि अ बॉडी कंटिन्यू टू रिमेन इन रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन, इस सेंटेंस का हमारी दुनिया में क्या मीनिंग है, कि ये बॉडी यहां रखी है तो रखी रहेगी, चल रही है, चलती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, अनबैलेंस्ड। जब आपको पता होता है कि जो हम बोल रहे हैं उसका इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिकल बॉडी से फिजिकली बॉडी से बोलते हैं, तब आपने उसे समझ लिया, सीख लिया। और इसके लिए आपको वो वाला मेथड एवरी बॉडी, ये नहीं जरूरत, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, अगर आप सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। और मैथमेटिक्स इसलिए जरूरी है क्योंकि नेचर हमें जो बताती है वो उसकी अपनी लैंग्वेज है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना ये है, ना वो है, कुछ नहीं है। आप लिखते हैं एफ इजिकल्स टू एम ए, क्या लिखते हैं, एफ इजिकल्स टू एम ए, आपने सबने पढ़ा है ना, तो मेरे लिए भी, अमेरिका के लिए भी, जो जापान में बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए, सबके लिए यही है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्स। ये हो सकता है कि जापानी लैंग्वेज में फोर्स को कुछ और कहते हो, मास को मास ना कहकर कुछ और कहते हो, एक्सेलरेशन कुछ और कहते हो, लेकिन है तो उनके लिए वही मीनिंग जो मीनिंग मेरे लिए है इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो मेरे लिए है, जो आपके लिए है, वही उनके लिए भी है, वो तो सिर्फ लैंग्वेज है। तो ये एफ इजिकल्स टू एम ए क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशन है, क्या है ये मैथमेटिकल रिलेशन है, ये कि आपने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया उसके अंदर, अब फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये क्या है, ये नेचर का रूल है, दिस इज नॉट न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने तो ऑब्जर्व किया इसे, ये तो नेचर का रूल है, लेकिन नेचर ने अपना रूल हमें बताया कैसे, एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में। जितने भी नेचुरल रूल्स हैं, लॉज हैं,
वो सब के सब नेचर हम हमें बताती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। और ये साइन थीटा पीटा और ये एक्स वाई एक्सिस और ये सारी चीजें कभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, जिंदगी में कभी काम आई है? कभी काम नहीं आई किसी को। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी जिंदगी में कभी काम नहीं आता। आप में से कई के पेरेंट्स होंगे जो साइंस से ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इंजीनियर है या कुछ और है, डॉक्टर है, लॉयर है, उसे पूछा कभी ए प्लस बी होल स्क्वायर काम आया? कभी नहीं आया काम में, कभी काम में नहीं आता है। तो ये मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन एक्चुअली नेचर को समझने के लिए ही हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री समझने के लिए इनका इवोल्यूशन हुआ है। मैथमेटिक्स अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब आप उसे वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में आप उसे अप्लाई करेंगे, तब आप एक्चुअली साइंस अप्लाई कर रहे हैं। साइंस सीखने और अप्लाई करने के लिए मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन हुआ। मैथमेटिक्स का इवोल्यूशन ही साइंस और साइंस के लिए हुआ है। तो प्लीज अपनी मैथमेटिक्स सही रखिए। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स बहुत मुश्किल सब्जेक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि यहां सब कुछ मैथमेटिक्स है, सब कुछ यहां मैथमेटिक्स है, सब कुछ मैथमेटिक्स है। इतना सा लिखेंगे हम, दो चार पांच सात लाइन का, पांच सात लाइन भी नहीं होती, दो तीन लाइन में किस्सा खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद मैथमेटिक्स करेंगे 20 लाइन भी, फिर उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन निकलेगा और कंक्लूजन को यूं चुटकी में लिख देंगे, लो जी लो ये बात समझ में आ गई। तो प्लीज मैथमेटिक्स अपनी सही कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलजेब्रा इंटेंसिवली यूज होने वाली है यहाँ, बहुत तकड़ा यूज होने वाली है। कुछ मैथमेटिक्स आपकी वो भी यूज होगी जो आपने 10th क्लास तक नहीं पढ़ी है, वो आप 11th 12th क्लास में पढ़ते हैं, वो मैथमेटिक्स यूज होना ही होना है। इट डजेंट मैटर कि आप बायो हैं स्ट्रीम से हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम से हैं। फिजिक्स को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप साइंस बायो स्टूडेंट हैं या आप मैथमेटिक्स, उसे जो मैथमेटिक्स में बोलना है वो मैथमेटिक्स में ही बोलेगी। आप मैं हम चाइनीज नहीं समझ सकते, क्योंकि हम चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानते। चाइनीज किसी चाइना के इंसान की बात समझने के लिए हमें उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी ना। पॉसिबल है कि चाइना वाले को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, हमें चाइनीज नहीं आती, तो क्या हम समझ पाएंगे उसकी बात? वो भूखा मर जाएगा, कह कह के रोटी दे दो पानी दे दो, हम पता नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। तो हम साइंस कब समझ सकते हैं? जब हमें साइंस की लैंग्वेज आती हो। और साइंस की लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। भले ही वो बायो स्टूडेंट के लिए हो, भले ही वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मैथमेटिक्स जो आप 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे वो भी यूज होनी है फिजिक्स में, अभी से यूज हो जाएगी, दो चार दिन बाद से यूज हो जाएगी। और मैथ वाले भी उसे अभी और 2 महीने बाद पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा जी? और बायो वालों का क्या होगा? वो तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो 10th क्लास से ऊपर की जितनी मैथमेटिक्स फिजिक्स में यूज होनी है वो मैथमेटिक्स मैं कराऊंगा आपको। पहले मैथ कराऊंगा, जहां मैथ के एक नए फिनोमिनन का यूज हुआ, जाओ आपने 10th क्लास तक पढ़ा नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं कि आप साइंस मैथ स्टूडेंट है, बायो स्टूडेंट है, आपने मैथ में पढ़ लिया या नहीं पढ़ लिया, मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं। उस मैथमेटिक्स को मैं कराऊंगा पहले आपको, तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी यह है कि 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आपको आती है। 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स का कोई थ्योरम, कोई फिनोमिनन, कहीं कोई इक्वेशन हम यूज करेंगे, वो इक्वेशन नहीं बताऊंगा मैं आपको। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि उतनी मैथमेटिक्स आपको आती है। 10th क्लास करके आप आए हैं तो आपको 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स आती है। अब जिसको नहीं आती,
वो या तो सुधार ले, अगर चाइना से बिजनेस करना है कि या तो चाइना सीख लो, चाइनीज सीख लो उनकी लैंग्वेज, इतनी तो हिम्मत हमारे अंदर है नहीं कि उससे कहें भाई इंग्लिश में बोल, वो तो कह देगा भाई चल मैं जा रहा हूं, तू नहीं कुछ और से बिजनेस में लेगा, काम तो हमारा है, क्यों भाई? भाई चाइना से बिजनेस करना है तो प्रॉफिट तो मुझे अपना देखना है, मुझे उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो फिजिक्स को इससे मतलब थोड़ी ना, फिजिक्स कहेगी तुझे समझ में नहीं, चल उसे आ रही समझ में, उसे आ रही समझ में, उसे आ रही समझ में, मुझे क्या मतलब, जो मेरी लैंग्वेज जानता है मुझे समझ लेगा, जो मेरी लैंग्वेज नहीं जानता मुझे नहीं समझेगा। तो प्लीज मैथमेटिक्स सुधार लीजिए, ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज में आती है, ये तो बहुत ज्यादा यूज में आनी है। और ज्योमेट्री में भी मतलब पूरी ज्योमेट्री, ऐसा नहीं हो सकता कि सर वो सिमिलर ट्रायंगल तो मेरे सर वो तो समझ में नहीं आते सर वो, कुछ नहीं। अभी आप 11th में है, 12th क्लास में आप में से कई बच्चे, कई आप में से कई हैं जिनके भाई या दोस्त या भाई के दोस्त अभी 12th क्लास में होंगे इस समय। अगर आप हो सके तो ईमानदारी से उनकी बात पूछिए। ज्यादातर जो 12th क्लास में बच्चे फिजिक्स में 0000000000 ला रहे हैं, आगे जीरो पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो, जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो ला रहे, वो वही बच्चे हैं जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता था 10th क्लास तक, और जिनकी 10th क्लास तक मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया थी, अब भी बहुत बढ़िया है, उनसे आप बात करेंगे वो कहे चल कुछ भी ना, डराते रह तो वैसे ही, अरे चल कुछ ना आए तो वैसे ही आसान, डराते रह सब आसान है। आसान तो उसके लिए है ना, उसी के लिए तो आसान है भैया, दीवार पर चढ़ना स्पाइडरमैन के लिए तो आसान है, मेरे लिए थोड़ी ना, जानता है दीवार पर कैसे चढ़ना। तो प्लीज फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फिजिक्स को सबसे इजी सब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसा कि फिजिक्स है सबसे इजी सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स आपको सही करनी पड़ेगी अपने, करेक्ट। एक और बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फैक्ट है फिजिक्स के बारे में कुछ बच्चों के लिए, और बड़ा बुरा है बाकी कुछ बच्चों के लिए। क्या 11th और 12th के टोटल मिलाकर आपके 26 चैप्टर है, 26 है या 28 है, मैं दो चैप्टर को मिला के एक करा देता हूं, तो मेरे हिसाब से 26 चैप्टर है। उन 26 चैप्टर में से एक चैप्टर रे ऑप्टिक्स ऐसा है जो बाकी 25 से बिल्कुल आइसोलेटेड है, एकदम आइसोलेटेड है, उसको बाकी 25 चैप्टर से कोई मतलब नहीं, लेकिन बाकी 25 चैप्टर आपस में इतने इंटरलिंक्ड है, इतने जुड़े हुए हैं आपस में कि अगर मैं आपको चैप्टर का नाम ना बताऊं तो पता नहीं चलेगा कहां एक खत्म हो गया और अगला शुरू हो गया, इतने जुड़े हुए हैं आपस में। फिजिक्स में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, मकड़ी का जाला सबने देखा ना, अगर आप एक जगह से जरा से छू दोगे मकड़ी के जाले को तो पूरा जाला हिल जाएगा, रीजन कि उसका वो किनारा जहां आपने टच किया है वो कहीं ना कहीं दूसरे दूर किनारे तक भी आपस में इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। तो फिजिक्स आपस में इंटरलिंक्ड है। अच्छा, कुछ बच्चों के लिए बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि एक सिरा पकड़ते उसी में से दूसरा निकल जाता है, जरा से हल्का सा कोई चेंज होता तीसरी चीज निकल जाती है, पहली और तीसरी चीज में कुछ मिला के कुछ करते चौथा निकल जाता है। कुछ बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल पड़ता है ये इंटरलिंकेज, बड़ा मुश्किल पड़ता है, क्यों? ज्यादातर बच्चों के लिए, मैं कुछ वर्ड यूज नहीं करूंगा, ज्यादातर बच्चों के लिए, क्योंकि अब तक जो भी आप पढ़ते आए हैं, सपोज आपने इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट में जरा दो लेसन के नाम बताना, किन्हीं दो लेसन के नाम बता दो बस,
ब्लैक एरोप्लेन। और एक और लेसन पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, क्या पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ओके प्लीज सिट डाउन। आपने क्या बताया ना, ब्लैक एरोप्लेन एंड पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये दो लेसन है आपके इंग्लिश में। ठीक है, इसमें से पहले कौन सा आता है? पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये पहले आता है। सपोज आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए इस लेसन में, बीमारी थी या कुछ था, वजह थे, छुट्टी हो गई आपकी, आप पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नाम का ये इंग्लिश का लेसन आप अटेंड नहीं कर पाए, कुछ नहीं पढ़ा उसमें आपने। जब आप आए तो आपका लेसन शुरू हो गया ब्लैक एरोप्लेन। तो क्या इस लेसन में से कुछ पीछे का उसका पोर्ट्रेट ऑफ लेडी वाला कुछ है? कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिजिक्स फिजिक्स पीछे से जुड़ करके आ रही है, फिजिक्स पीछे से जुड़ कर आ रही है। फ्राइडे सैटरडे में मैं नहीं आया क्योंकि मुझे पता था आप में से ज्यादातर नहीं आओगे, लेकिन आज जो हम सीखने वाले हैं वो आज के लिए नहीं है, जिंदगी में जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक काम आता रहेगा, वो बार बार यूज होता रहेगा। तो कुछ बच्चों के लिए आसान क्यों है? क्योंकि वो जरा सा सा खींचते हैं और नई चीज निकाल लेते हैं, फिर कहीं कुछ जोड़ते हैं, फिर एक नई चीज निकाल लेते हैं। ज्यादातर के लिए मुश्किल क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में बच्चे इंग्लिश की तरह, लिटरेरी सब्जेक्ट की तरह, हर टॉपिक को, हर लेसन को नहीं, लेसन के अंदर अगर 20 टॉपिक है तो हर टॉपिक को अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक की तरह याद करने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड रटने की कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड याद करना। वो इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते या नहीं करते। अगर आपने हर टॉपिक को अपने आप में एक नए टॉपिक की तरह, एक नए चैप्टर की तरह याद करने की कोशिश की फिजिक्स में, तो पहाड़ खड़ा हो जाएगा आपके सामने, आपके सामने पहाड़ खड़ा हो जाएगा टॉपिक्स का, इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा हो जाएगा कि बादलों को टच कर जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केस फिर उस पहाड़ के नीचे दब के क्या होता है, बस किसी तरह फर्स्ट टाइम हो जाए, किसी तरह ये हो जाए, बस किसी तरह 11th हो जाए, किसी तरह 12th हो जाए, पीछे छूटा है फिजिक्स से, ये माइंड में चलने लगता है। और जो इंटरलिंकेज करते हुए चलते हैं आपस में, उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। यहां कदम रखा, वहां कदम रखा, इधर देखना था, यहां कदम रख दिया, पीछे फिर वहां रख दिया, उन्हें पता है कि यहां यहां मुझे कदम रख के मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और एक बच्चा वो है जो बिल्कुल वहां पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तैयार करता है, कैसे करूं, यहां तो वो है, यहाँ पानी है, यहाँ को बर्फ पड़, यहाँ कैसे पहुंचू, वो हर जगह पहुंचने के लिए एक नया रास्ता तैयार करेगा। कौन सा काम आसान है हर जगह पहुंचने के लिए एक नया रास्ता? भाई आपको यहां से दिल्ली जाना है तो यहां से दिल्ली तक का एक नया रास्ता बनाया जाए क्या? ना, वो तो ऑलरेडी बने हुए, ठीक है दिल्ली नहीं जाता, कहीं तो जा रहा है ना, मेरठ तो जा रहा है ना, फिर मेरठ से दिल्ली जा रहा है ना, यहां से दिल्ली का रास्ता बनाना, यहां से फिर आगरा का रास्ता बनाना, यहां रास्ते ही रास्ते हो जाएंगे जी, खेत भी खत्म हो जाएंगे, मकान भी खत्म हो जाएंगे सारे। हर जगह का नया रास्ता बनाना आसान है क्या? जो ऑलरेडी है बने हुए उन्हीं रास्तों को यूज करके हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। फिजिक्स यही है, बस फिजिक्स यही है कि आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं सही तरीके से, शॉर्टेस्ट भी हो, इजीएस्ट भी हो, ट्रैफिक भी ना मिले, गड्ढे भी ना मिले, आराम से पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। नया रास्ता जो बनाने की कोशिश करेगा हर टॉपिक के पर पहुंचने के लिए एक नया रास्ता, कंफ्यूज हो जाएगा, देखो जी फिजिक्स ना, यहां सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कितने बताए थे मैंने? 26। 26 में से सिर्फ एक लेसन है जो
बिल्कुल सेपरेट है, अलग है, उसका बाकी 25 से कोई ताल्लुक नहीं, बाकी सब आपस में जुड़े हुए हैं, इतने हद तक जुड़े हुए हैं, इतने हद तक जुड़े हुए हैं कि आपको अगर मैं नया चैप्टर ना लिखाऊं तो नया चैप्टर का पता नहीं चलेगा आपको कहां शुरू हो गया, अगर आप बुक ना देखो। कई बार आपके सामने ऐसा आ जाएगा कि जो मैं टॉपिक करा रहा हूं वो तो अगले चैप्टर में दे रखा, दो चैप्टर के बाद में दे रखा है, करा रहे हो यहां पर आप इस चैप्टर में, इतना आपस में इंटरलिंक्ड है। एक बार और ध्यान रखना कि मेरे पढ़ाए हुए एक बच्चा था, यहाँ मेरे ख्याल से 8, 7, 8 साल, 10 साल पहले की बात है, जब मैं नीचे क्लास लिया करता था, उसका 11th 12th में हमेशा एक ही बात थी मेरे से, सर मुझे यू समझ नहीं आता, पढ़ाओ क्या हो, सर सर क्या पढ़ाओ, सर मुझे किताब में तो कोई मिलता ना हो, क्या पढ़ाओ आप, सर बताओ तो सही, बताओ तो क्या पढ़ाओ हो, सर आप कहाँ से पढ़ाओ, किताब में तो मिलता ना। पढ़ाऊंगा मैं वही जो किताब में है, मैं कोई बाहर थोड़ी चल सकता हूँ एनसीईआरटी से या सिलेबस से, आपके वही पढ़ाना है ना जो सिलेबस में, लेकिन मेरे पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होता है, आगे पीछे मिल सकते हैं आपको टॉपिक, किताब में वो टॉपिक आपको आगे पीछे मिल सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, कि कब किस चीज को समझना ज्यादा आसान है। अभी आपका एनसीईआरटी में एक लेसन देखोगे, एक टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में रिलेटिव वेलोसिटी, अब मुझे समझ नहीं आता पता नहीं किन लोगों ने लिखी, अरे वेक्टर तो तुमने पढ़ाया नहीं अभी तक और वेक्टर लगा दिए यहां पर, बिना वेक्टर के रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड ही नहीं हो सकती, हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं कब पढ़ाऊं रिलेटिव वेलोसिटी को, जब पहले वेक्टर तो समझा दूं ना, लेकिन किताबों में रिलेटिव वेलोसिटी यहां दे रखा, वेक्टर वहां दे रखे, पता नहीं कैसे लिखते हैं किताबें, या तो इन लोगों ने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं होता, पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर बैठे लिख दी किताबें, बच्चे को पढ़ाया नहीं, बस ये पता ही नहीं कि बच्चे को कब समझ में आएगी क्या थी। एनीवे, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको मिलेगा किताब में, लेकिन आगे पीछे मिल सकता है, मेरी अपनी सीक्वेंस है। कभी कभार ऐसा भी होगा कि बिल्कुल चैप्टर ही उलट पलट हो जाएंगे, वो चैप्टर बाद में आ रहा, 3 चैप्टर के मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसको, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो सब कुछ सीख जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिजिक्स इज द इजिएस्ट सब्जेक्ट, आपके 6 नहीं 5 सब्जेक्ट बोलूंगा, 5 सब्जेक्ट में सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, सबसे आसान सब्जेक्ट है फिजिक्स, क्योंकि यहाँ रटने के लिए बहुत कम है, बहुत कम है, समझने के लिए, सीखने के लिए, यह लैंग्वेज मैटर नहीं करती, जो लैंग्वेज मैंने लिखाई है आप उससे थोड़ा अलग लैंग्वेज भी लिख दें, आपकी बात वही होनी चाहिए, लैंग्वेज मैटर नहीं करेगी यहां बिल्कुल, मीनिंग वही निकलना चाहिए। फिजिक्स में सबके आंसर अलग अलग हो जाते हैं, सबके आंसर करेक्ट है फिर भी, क्योंकि जो वो बताना चाह रहे हैं वो तो ठीक निकल रहा है ना, वो ठीक बात बता रहे हैं सर, सब अपने अपने वर्ड्स में बता रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस मेरी लैंग्वेज भी आपको अलग लगेगी। अगर मेरी लिखवाई हुई डेफिनेशन आप बुक में ढूंढेंगे तो ऐसा लगेगा कि सर बुक में तो देखना क्या लिखा और आप क्या लिखवा रहे, अब कंफ्यूज हो रहोगे बहुत ज्यादा कि ये वाली करें या ये वाली करें, बुक वाली करें ये जो आसिफ सर ने लिखा इसे वाली करें या ट्यूशन वाली करें। मोस्ट ऑफ द केस ट्यूशन वालों से तो मेरी लैंग्वेज मेल ही नहीं खाएगी, बिल्कुल मेल ही नहीं खाएगी, कुछ एक दो टीचर्स यहाँ ऐसे हैं जो मेरे ही नोट से पढ़ा रहे हैं, अंदर खाने की बात है ये, आपको पता नहीं है, उनसे जरूर आपकी लैंग्वेज मिल जाएगी, है एक दो टीचर किले में जो मेरे नोट्स ले रखे हैं पुराने बच्चों से और उससे पढ़ा रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल सेफ गेम खेल रहे हैं, एकदम कोई गड़बड़ नहीं, कोई चांस नहीं, राइट। तो अगर कभी मेरी लैंग्वेज में आपको कंफ्यूजन लगे और आप अपने ट्यूशन वाली लैंग्वेज पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं तो गो फॉर इट, बात निकलनी चाहिए पूरी, मीनिंग निकलना चाहिए पूरा। कभी भी माइंड में ये मत लाना कि अगर हमने ट्यूशन वाले सर का बताया हुआ लिख दिया
तो आसिफ सर काट देंगे। आप अगर सही काम कर रहे हैं तो दुनिया का कोई आदमी, कोई ताकत काट नहीं सकता उसको। आपने उसे चाहे ट्यूशन में सीखा हो, या ये वाला लेसन, ये वाला यूट्यूब, वो वाला यूट्यूब देख के सीखा हो, या कुछ भी कर रहा हो, अगर गलत है तो गलत है, चाहे आसिफ सर ने बताया हो या किसी और ने बताया, गलत तो गलत ही है। समझ रहे हैं? पहले ही दिन ये बात माइंड से निकाल दीजिए कि जी हम एग्जाम में लिखे, क्योंकि मैंने एग्जाम में बहुत सारे आपके बच्चों की कॉपी चेक करी है, वो बेचारे कंफ्यूज रहते हैं। आधा अधूरा तो मेरा वाला लिख दिया, आधा अधूरा ट्यूशन वाला लिख दिया, आधा अधूरा यूट्यूब से ये वाला लिख दिया, आधा अधूरा आपने वो कौन से था, वो जूस वूस का जो चैनल होता है उस वाले में से लिख दिया, कंफ्यूज हो गए। मेरे सामने आप कुछ भी लिख दीजिए, वो ठीक होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बस। कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। साइंस किसी की बपौती नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। साइंस साइंस सबकी है, एक जैसी है बिल्कुल। कहीं से भी आप कर सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो। ठीक है?